Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबके फीडबैक को लेते हुए मैंने एक बहुत ही बेसिक कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करी है, विच इज़ ए टू जेड ऑफ कैंडलस्टिक्स। सो ये बहुत ही इंट्रोडक्शन लेवल वीडियो है एंड सब्सिक्वेंटली हम डिटेल में कैंडलस्टिक्स के बारे में और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। सो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कैंडलस्टिक बेसिकली मार्केट की रिप्रेजेंटेशन को बताते हैं, और ये एक तरीके से एक लैंग्वेज है मार्केट की। जैसे कि आप किसी भी नई कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। इसीलिए जैसे आप मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की लैंग्वेज पता होने के लिए कैंडलस्टिक की नॉलेज होना ज़रूरी है। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आज का ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यू, एंड इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, स्टैंड अलोन यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं विद टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, मोमेंटम ऑसिलेटर्स एंड और मैं पर्सनली इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के साथ यूज़ करता हूँ, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर को बताती है, जैसे कि फियर, ग्रीड एंड होप, जो भी ह्यूमन के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स होते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन कैंडलस्टिक्स में कैप्चर होती है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बैंक्स एंड हेज फंड्स हैं और जो भी प्रो ट्रेडर्स हैं, वो सारे के सारे इस कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, एंड ये हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो भी बिग बॉयज़ हैं वो मार्केट में कब एंटर हो रहे हैं, कब एग्जिट हो रहे हैं, एंड हमें कब साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है और हमें मार्केट से बाहर रहना चाहिए। तो कैंडलस्टिक्स बेसिकली हर टाइम फ्रेम पे फॉर्म होती हैं, डेली पे, आर्ली लेवल पे, मंथली, वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को लगाएंगे तो कैंडलस्टिक आपको उस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिलेगी। यूजुअली ये दो टाइप की होती हैं, ग्रीन और रेड। कहीं ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ये ब्लैक और वाइट में भी देखने को मिलती है, बट यूजुअली ग्रीन और रेड लेके चलते हैं। ग्रीन वाली कैंडल में बेसिकली आपका क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है, तो इसलिए ग्रीन से डिनोट किया जाता है ताकि बुलिश मोमेंटम था। एंड रेड वाली में आपकी क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे हुई है, इसीलिए उसमें रेड कलर से डिनोट किया जाता है ताकि बेयरिश मोमेंटम था। क्योंकि दोनों में ही एक हाई लेवल लगा है और एक लो लेवल लगा है, तो जो शैडोज़ के ऊपर का जो लेवल होता है, टॉप पॉइंट जो होता है, उसे हम हाई बोलते हैं, एंड लोएस्ट पॉइंट जो होता है शैडो का, उसे हम लो बोलते हैं। जो बीच का पार्ट होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं। तो कैंडलस्टिक की साइजेस दो तरीके की होती हैं, एक बिग होती है और एक स्मॉल होती है। तो जो बिग कैंडल होती है वो बेसिकली ये बताती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस जो ज़्यादा था, और दोनों के ऊपर और नीचे, दोनों जो शैडोज़ हैं वो बहुत स्मॉल थे। अगर ये बहुत बैक टू बैक बनती चली जाए बिग कैंडल्स, तो बेसिकली हम ये मानेंगे कि वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है। एंड इन अदर कंपेरिजन, जहाँ पे छोटी कैंडल्स बनती है, वहाँ पे ये बताता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो बहुत कम था, मतलब कि बहुत ही कम मूवमेंट हुई है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एंड इनमें भी स्मॉल शेडोज होती हैं। एंड अगर ये बैक टू बैक स्मॉल कैंडल्स बनती जाती हैं, तो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुई है या फिर कंसोलिडेशन हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड में। कैंडलस्टिक के शेडोज भी दो टाइप के होते हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हो एक लॉन्ग लोअर शेडो है, और राइट साइड में एक लॉन्ग अपर शेडो है। जो लेफ्ट साइड में लॉन्ग लोअर शेडो है, उसका ये मतलब है कि सेलर्स पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और वो प्राइस को बहुत नीचे ले गए, बट एक सर्टेन टाइम पे इतने ज़्यादा बायर्स आए कि वो प्राइस को वापस ऊपर खींच के ले गए और एक लॉन्ग लोअर शेडो बनाया, और प्राइस की क्लोजिंग कहीं लगभग ओपनिंग के अराउंड करा दी। वेयर एज इसका उल्टा है लॉन्ग अपर शेडो में, जहाँ पे पहले बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और वो प्राइस को बहुत ऊपर लेके गए हुए थे, बट एक पॉइंट पे सेलर्स मार्केट में ज़्यादा आए और वो उस टाइम फ्रेम में प्राइस को नीचे लेके गए और लगभग ओपनिंग के अराउंड इसकी क्लोजिंग करा दी। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे बेयरिश एनगल्फिंग एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से सब्सक्राइब करें, कुछ भी करो बस सब्सक्राइब होना चाहिए। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में लिखें उसको। कोई आपका रिकमेंडेशन है या कोई आइडिया है कि अगला वीडियो किसी और टॉपिक पे होना चाहिए तो वो भी कमेंट में डालिए और भर दीजिए पूरा कमेंट। मैं ज़रूर सबको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।